नाम बताओ अपना पहले आप। अनीशा राज। अनीशा कौन सा पेपर दिखा रहे हो भैया? मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी। कैसा रहा एक्सपीरियंस 1.5 घंटे का? मीन्स अच्छा था, पेपर बैलेंस था, लाइक चारों सब्जेक्ट्स के थे क्वेश्चंस, थोड़े बहुत फिजिक्स के, रीजनिंग वाले भी थे एंड बायो के, केमिस्ट्री एंड फिर मैथ्स के थे। और सिलेबस भी यही था? हाँ जी, सिलेबस तो बायोटेक। पूरा पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था या कुछ हट के था? लाइक जितना मैंने पढ़ा है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बायोटेक के अकॉर्डिंग तो मतलब ठीक था, बैलेंस पेपर था। बैलेंस पेपर? हाँ जी बैलेंस। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? प्रीवियस ईयर का देखा था मैंने। तुम हेल्प मिला उससे? हाँ ऑफ कोर्स डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर से हेल्प मिला। क्वेश्चन रिपीट हुआ था फिर पैटर्न था वही? क्वेश्चन रिपीटेशन का तो नहीं, बट देन हाँ लाइक पैटर्न, लाइक जैसे ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन होते हैं, नेमिंग वाले, रिएक्शंस वाले, वो सब, और बायो के जो होते हैं, तो मुझे हेल्प तो लगा। अच्छा, पिछले कई साल के पेपर से आज के पेपर को अगर मैं कंपेयर करूँ, है ना, तो आपके अकॉर्डिंग ईजी था, टफ था या मॉडरेट था आज वाला? मुझे आज वाला लाइक मॉडरेट लगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट। इसलिए मैंने आपके अकॉर्डिंग पूछा है। मॉडरेट था। कितना आपने अटेम्प्ट किया out of 100? out of 100 आई थिंक, मतलब मुझे ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट देन 80 के अप्रॉक्स तो मैंने अटेम्प्ट किए। हाँ जी श्योरली 80 तो किया है अटेम्प्ट, तो बाकी 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ जी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा था? प्रीवियस ईयर का नहीं, मैंने कट ऑफ नहीं देखा, मैं डायरेक्टली एग्जाम देने आया। कश्मीर से हो तो कश्मीर का भी कोटा होता है ना? हाँ जी, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा। आपने BSc किससे किया था? मैंने लाइफ साइंसेज से किया। अच्छा, तो लाइफ साइंस के बाद आप बोटनी के लिए आ गए? बायोटेक के लिए। हाँ जी। तो तैयारी आपने सेल्फ स्टडी किया था या फिर कहीं से कुछ? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया है एंड लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब से ही। मोस्ट ऑफ MA के लेवल पे या फिर MSc के लेवल पे लोग खुद से ही करते हैं ना। तो मैं जानना चाहूँगा क्या क्या मटेरियल था आपके पास सेल्फ स्टडी में? सेल्फ स्टडी में लाइक जो मेरे अपने तीनों ईयर्स के जो भी मतलब सेमेस्टर्स में मैंने सिलेबस पढ़ा, मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया था एंड देन लाइक मेरे पास एक ऐसी प्रीवियस ईयर वाली बुक थी, उसी के क्वेश्चंस मैंने किए थे। जो कुछ भी आपने पढ़ा था सेल्फ स्टडी में, उससे कितना हेल्प मिला आपको? मुझे उससे तो बहुत हेल्प मिली है। हाँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो मोस्ट ऑफ हर कोर्स के एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, है ना, तो जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आज का पेपर एक्सपीरियंस करने के बाद? सो मेरा सजेशन यही है कि एक तो लाइक 11th 12th का जो होता है सिलेबस, मेन तो बेस वही होती है, तो उसमें सारी अपनी ऑर्गेनिक एंड बायो का भी जो बेस है वो अच्छे से कीजिए एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे बायो के वो करने चाहिए, लाइक सेल बायोलॉजी है, DNA रेप्लिकेशन, वो सब, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और मैथ्स भी, बेसिक मैथ्स भी आनी चाहिए। आपने जो कुछ भी सिलेबस बताया उसको क्या डीपली देखना चाहिए या फिर मॉडरेट लेवल पे या फिर अपर लेवल पे? लाइक बेसिक मेन पता होना चाहिए, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट 11th 12th लेवल की, हाँ 11th 12th एंड देन BSc लेवल का थोड़ा बहुत, लाइक किसमें क्या एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, क्या रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, वो सब पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। सो वही मतलब मुझे लगता है वही एक तरह से कॉम्पिटिशन में हेल्प करते हैं कि 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जामिया से आप बायोटेक क्यों करना चाह रहे हैं, खास रीजन? जामिया से लाइक मैंने काफ़ी सुना भी है एंड पढ़ा भी है कि इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, सो या बिल्कुल डेफिनेटली कौन नहीं करना चाहेगा अच्छी यूनिवर्सिटी से। मतलब 100 में 90% लोगों का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। हाँ जी बिल्कुल। चलो, मैं आशा करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया के पार्ट बन सको, जो कुछ भी अपने आपको एम्बिशन उसको अचीव कर सको। थैंक यू सो मच।